still drive me crazy. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो होपफुली आज की वीडियो देख के अच्छे होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैंने हमारे पास्ट वीक में खाए गए 7 मील्स आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आप इन्जॉय करेंगे। वैसे मैंने रेसिपीज़ तो शेयर नहीं की हैं, पर मुझे लगता है कि कई सारी चीज़ों की मैंने रेसिपी ऑलरेडी आपके साथ शेयर करके रखी हैं, पर अगर नहीं है तो मैं फ्यूचर में आपके साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है, बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि उनको मेरे मील्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं हमेशा मील्स दिखाया करूँ, तो फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो ही स्पेशल मील्स पे बना देती हूँ। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी गुणकारी पत्नी हूँ और मेरे पति कितने लकी हैं कि उनको मैं मिली हूँ। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ सिर्फ अपनी तारीफें करना है। ओके, मजाक कर रही हूँ। यस, अगर आप इंटरेस्टेड है देखने के लिए कि पिछले वीक डिनर में हम लोगों ने क्या क्या खाया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बार में कुछ भी अच्छा अच्छा लिखें और लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। उसी से मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं या नहीं। और अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखे हैं। इंस्टाग्राम पे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो इसलिए ताकि हम लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाती हूँ पर मैं इंस्टाग्राम पे हमेशा होती हूँ। ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। ओके दोस्तों, तो शुरुआत होती है मंडे के साथ। मंडे दोपहर में हमने बनाए थे राजमा राइस, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और हिम्मत की फरमाइश थी राजमा खाने की, उससे राजमा बहुत अच्छे लगते हैं। तो डिनर के लिए मैंने राजमा के साथ बंद गोभी बना ली, पत्ता गोभी, जो कि आजकल हमें बहुत अच्छी लग रही है। और उसके साथ हमने हमारा डिनर किया, राजमा, पत्ता गोभी और राइस मैंने फ्रेश बनाए हैं और सैलड एंड रोटी। अगले दिन बारी आती है दाल मखनी बनाने की, वो मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी। उसके लिए मैंने माँ की दाल को उबाल लिया पानी डाल के, और जब दाल गल जाती है उसमें मैंने थोड़े से राजमा भी ऐड किए थे, वो फुटेज मुझसे मिस हो गई है। जब दाल गल जाती है तो मैं उसमें 35% क्रीम हाफ कप डाल देती हूँ और उसे फिर हम स्लो कुक होने देते हैं। यूजली मैं क्या करती हूँ, जब ये दाल बनाती हूँ तो मैं काफ़ी घंटे पहले स्लो कुक होने देती हूँ ओपन कुकर में, सो ज़्यादा डिलिशियस बनती है। उसके बाद तड़के के लिए मैंने ऑयल लिया है, ऑलिव ऑयल, एंड उसमें मैंने डाला है जीरा, लहसुन, जब लहसुन हो जाता है तो आप अनियन ऐड करें। दन टमाटर करें, इसमें मैं खूब सारे टमाटर डालती हूँ। और जब हमारे टमाटर ऑलमोस्ट कुक हो जाएंगे, मैं डालूँगी हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सॉल्ट थोड़ा सा क्योंकि दाल में भी है, एंड लाल मिर्ची, और मिक्स करके इसमें मैं बटर डाल दूँगी, क्योंकि बटर मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें बटर का टेस्ट। और मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि मैं कौन सा गरम मसाला यूज़ करती हूँ, तो मैं कोई भी गरम मसाला यूज़ नहीं करती हूँ यूजली। अगर मुझे करना भी हो तो मैंने खुद से एक ग्राइंड करके रखा है, पर उसको मैं रेयरली यूज़ करती हूँ। मैं सिर्फ जीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर ही यूज़ करती हूँ। और जब ये मेरा तड़का अच्छी तरह हो चुका है, सो हमने जो पहले दाल प्रिपेयर की थी क्रीम डाल के, उसको मैंने इस तड़के में डाल दिया है। अब इसको जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी, इसे मैं प्रेशर कुकर में डाल के सारी दाल को मिक्स कर दूंगी। ये दाल बहुत अच्छी बनती है, अगर आप स्लो कुक करके बनाएं तो और ज़्यादा डिलिशियस बनेगी, पर आप प्रेशर कुकर में क्विकली कुक भी कर सकते हैं। अब इस दाल को सर्व किया जाएगा तंदूरी रोटी के साथ। इसकी काइंड ऑफ विधि मेरे चैनल पे है, आई थिंक पालक पनीर वाली सब्जी में। आज दाल में जाएगा फ्रेश मक्खन, क्योंकि अर्लियर मैंने फ्रेश मक्खन बनाया था। और इसको हम सर्व करेंगे हरी मिर्ची के साथ और बहुत ही लच्छेदार अनियन काट के लाइम के साथ, और तंदूरी रोटी तो है ही। अब हम मेरे पति परमेश्वर की रिव्यूज लेंगे कि उनको ये दाल कैसी लगी। आई होप अच्छी लगेगी। मील तैयार है पर साड़ा बंदा तैयार नहीं है।
आ देखो कितना सारा मक्खन लागे प्यारी, तेरी दाल मखनी च ना अज ताजा मक्खन पिया वे। किन्ना लकी वे नी प्यारी वाइफ मिली, तरह तरह दे मिली मिलदे आ, ते फिर ओदे मुक्का ਇਹਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਟੀ ਚਾਰਜ ਦੀ। ਨੋਰਮਲ ਰੋਟੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਆਲੂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਫਿੱਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਆਊਟਲੈਟਾ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਆਊਟਲੈਟ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰੀਏ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਚੱਲ ਪਿਆਰੀਏ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਦੋ ਫੁਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਿਆਰੀਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵੱਟੂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੰਮਾ ਚੰਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਵਧੀਆ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ। सो आज है वेनसडे और मेरे पास काफ़ी सारी सब्जियां पड़ी थी फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि भाजी बना लेती हूँ, क्योंकि अर्लियर हम पाव लेके आए थे ग्रॉसरी शॉपिंग में। सो मैंने भाजी बनाई है, उसको भी मैं लच्छेदार अनियन एंड लाइम के साथ सर्व करती हूँ और खूब सारा बटर डालती हूँ। और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी शेयर करूँ। ये बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा डिलिशियस बनती है। मुझे मेरी पाव भाजी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि ऐसी मुझे किसी स्टोर में नहीं लगती, कहीं बाहर से नहीं लगती है। पर जब हम चंडीगढ़ में थे तो गोपाल स्वीट्स की पाव भाजी बहुत अच्छी हुआ करती थी, और फिर जब हम लास्ट टाइम हमने विज़िट किया था तो इतनी अच्छी नहीं थी। सो मुझे लगता है कि मेरी पाव भाजी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, अनलेस हम मुंबई में जाके कहीं से खाएँ। सो यस, बहुत अच्छी बनती है, ये मेरी स्पेशलिटी है आई गेस। सो थर्सडे को बनाया गया है पालक पनीर। पालक पनीर की मेरे चैनल पर रेसिपी है और इसकी भी मुझसे एंड फुटेज मिस हो गई है। पालक पनीर कैसे बनाते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ज़रूर से ट्राई करिए, बहुत अच्छी बनती है। इसके साथ भी मैंने तंदूरी रोटी सर्व की थी मेरे हस्बैंड को, और यस ये हमारा हो गया थर्सडे। सो फ्राइडे को मैंने बनाए थे गोलगप्पे, गोलगप्पे का पानी, एक्चुअली गोलगप्पे बाहर से लाए थे हम, और उसके साथ मैं चने और आलू का मिक्सचर बनाती हूँ। गोलगप्पे के पानी की रेसिपी मेरे चैनल पे है सिमॉर्क एंड कुक पे, आप देख सकते हैं। सो मैंने मेरे हस्बैंड को गोलगप्पे सर्व किए, उसके बाद हमने खाए लौकी के कोफ्ते, सैलड एंड रोटी, और अच्छा मील था ये, मुझे तो अच्छा लगा। तो सैटरडे को मैंने बनाया पिज्ज़ा घर पे, डो बना के एंड एवरीथिंग, और बहुत अच्छा पिज्ज़ा बना। इसकी रेसिपी मैं डेफिनेटली शूट करूँगी, जब भी फ्यूचर में मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मेरे पति का डांस देख सकते हैं कि उनको ये पिज़्ज़ा कितना अच्छा लगा। सो यस, क्वारंटीन में और ये आजकल की सिचुएशन में मेरी कोशिश है कि हम बाहर से बिल्कुल मत खाएँ, लाइक बिल्कुल मत, बिल्कुल नहीं, और इसलिए सब कुछ घर में ही किया जा रहा है। और ये मेरा पिज़्ज़ा है, आई थिंक आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, डिलीशियस पिज्ज़ा विथ सो मच चिलीज। ओके, सो संडे को मैंने केसडिया बनाया था, जिसकी फुटेज अगेन मिस हो गई है, पर मैंने कल भी केसडिया बनाया था तो मैंने सोचा कि ये सेम फुटेज शेयर कर देते हैं, ओके चलता है इतना। सो केसडिया मैंने पनीर वाला बनाया था लास्ट टाइम की तरह ही, और इसको मैंने सर्व किया है फ्राइज़ के साथ, सार क्रीम के साथ एंड फ्रेश बेसिल जो कि मेरे घर में से निकाली गई है। और इसके साथ मैंने थोड़ा सा सैलड बनाया था एवोकाडो लेटस एंड टमेटोज़ का, और थोड़ा सा उसमें पैरामेशन चीज़ है, और ये बहुत डिलिशियस बना था और इतना फिलिंग था कि मेरे पति की बाहर जाने की क्रेविंग्स सारी होगी डन, और ही इज़ द लकीस्ट मैन ऑन द प्लैनेट। सो दैट्स इट, लो यू गाइस कैन सी ही इज़ डांसिंग। अब लेते हैं उनके रिव्यूज़, आई एम नॉट श्योर वो देंगे या नहीं, पर यस यहीं पे हमारा पूरा हफ्ता ख़त्म होता है। बाल तो मैं काट दिया, मैक्सिकन चाइनीज इटालियन इंडियन तो मैं खवानी हूं, थोड़ी नई भी है मैं तो थोड़ी शेफ भी। पिछले जन्म च मैं कोई बढ़िया काम किए हां ले शुक्र आ। वो पहली बार ही आई हो
प्यारी खाला ठंडा हो गया वे आ देखियो आप बेसिल है ना जेडी फ्रेश ओथो गार्डन तो लाई है ओथे बैठ खाना ओ यार इथे बैठ के खाना मैं टीवी देखदा ओके प्यारे दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने आपके पेट में थोड़ी सी भूख जगा दी होगी तो जल्दी से कुछ बना ले खाने के लिए सो अगर रात है और आप कुछ बना नहीं सकते हैं तो आई एम वेरी सॉरी क्योंकि एडिट करते हुए मुझे भी भूख लग जाती है सो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा अगर किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें और अगर आप इसमें से किसी की रेसिपी देखना चाहते हैं जो ऑलरेडी चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट बार में बता दें मैं बना दूँगी लव यू गाइस सो मच अपना ध्यान रखें और सेहतमंद रहें और घर में रहें एंड आई लव यू गाइस सो मच बाय.